So what's up guys, this is Varun Agrawal, you're watching Dynamic Info, let's start the video. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शिप के बारे में, एक ऐसे जहाज के बारे में जिस शिप को अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा शिप माना जाता है। और यही नहीं, ये शिप अब तक का अपने समय का एक हीरा था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें, टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिनको सुनकर, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, आप शॉक हो जाएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाइटैनिक, जिसको दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी शिप कहा जाता है, 15 अप्रैल 1912 को एक हादसे का शिकार हो गई। यहाँ पर यह हादसा हुआ था नॉर्थ अटलांटिक में, और इस हादसे की जो मेन वजह थी वो थी एक आइसबर्ग से टकराकर टाइटैनिक डूब गई। और यहाँ पर इस हादसे में तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें पैसेंजर्स के साथ साथ टाइटैनिक का क्रू भी शामिल था। और इसके बाद तकरीबन 705 लोग यानी कि 705 लोग ही सिर्फ सर्वाइव कर पाए थे इस हादसे को। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइटैनिक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फर्स्ट, दुनिया की पहली शिप जिसमें हीटेड स्विमिंग पूल मौजूद था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टाइटैनिक दुनिया की सबसे पहली ऐसी शिप थी जिसमें हीटेड स्विमिंग पूल मौजूद था, और इस स्विमिंग पूल को भरा गया था सी वाटर से। तो चलिए इसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पर आता है द पेकर ऑफ द टाइटैनिक। आप में से कितने लोग को ऐसा लगता होगा कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग पीते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी बहुत कम होती है। यहाँ पर ये बात सही भी है, लेकिन यहाँ पर चार्ल्स जफिन के मामले में ये बात बिल्कुल अपोजिट थी। यहाँ पर हम आपको बता दें, चार्ल्स जफिन जो कि टाइटैनिक के क्रू के एक मेंबर थे, यहाँ पर उन्होंने इंसिडेंट के दौरान काफ़ी लोगों की जान बचाई, लेकिन उसके बाद खुद वह बेहोश हो गए और अपनी मौत का इंतज़ार करने लगे, या आप कह सकते हैं उनकी मौत उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। यहाँ पर उनके बेहोश होने की वजह थी उनका ड्रिंक। यहाँ पर उन्होंने इतनी हैवी क्वांटिटी में ड्रिंक किया हुआ था कि उनको होश ही नहीं था कि किस तरीके से मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि जब तक रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची, तब तक चार्ल्स जफिन जिंदा थे, और जिस पानी में वो उस समय मौजूद थे वो पानी तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखता था। यहाँ पर साइंटिफिकली रूप से बताया जाता है कि चार्ल्स जफिन ने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी का ब्लड था वो इतना ज़्यादा थिन हो गया था कि उनको हाइपोथर्मिया होने का जो खतरा था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से वो ज़िंदा बच गए। तो चलिए इसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। और थर्ड पॉइंट पर आता है 13 कपल्स ऑन द टाइटैनिक। अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइटैनिक से भी बदतर कोई हादसा हो सकता है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें आपकी सोच बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जिस समय टाइटैनिक में ये इंसिडेंट हुआ, जिस समय टाइटैनिक ट्रेजेडी हुई, उस समय टाइटैनिक पर 13 कपल्स मौजूद थे जो कि टाइटैनिक पर हनीमून मनाने आए थे। यहाँ पर इन्हीं में से एक कपल के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जिनकी मौत ने उनको टाइटैनिक की ओर खींच लिया। यहाँ पर इस कपल में जो हस्बैंड थे उनका नाम था डैनियल वॉर्नर मैरविन, और जो वाइफ थी उनका नाम था मैरी मैरविन। यहाँ पर ये जो कपल है ये पहले तो कैरपेथिया नामक शिप में जा रहा था, जिस शिप ने टाइटैनिक ट्रेजेडी होने के बाद टाइटैनिक को रेस्क्यू किया था। ये कपल उसी शिप में जाने वाला था, और यहाँ पर कैप्टन स्मिथ के इनके फैमिली फ्रेंड होने की वजह से और उनके रिकमेंडेशन की वजह से ये कपल टाइटैनिक पर गया। और इसके बाद जब हादसा हुआ, उस हादसे में डैनियल वॉर्नर मैरविन की डेथ हो जाती है, और यहाँ पर मैरी वॉर्विन बच जाती हैं, और उन्हीं के साथ उनके पेट में मौजूद डैनियल वॉर्नर वॉर्विन का जो बच्चा था वो भी बच जाता है। तो यहाँ पर इसी से हम पता लगा सकते हैं कितना ट्रेजेडिक इंसिडेंट रहा था टाइटैनिक का, और इससे ज़्यादा ट्रेजेडिक, इससे ज़्यादा बुरा इंसिडेंट आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। चलिए इसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पर आता है द फ्यूचर ऑफ टाइटैनिक वॉज रिटन इन अ नॉवल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर हम आपको बता दें द व्रेक ऑफ द टाइटन नामक एक नॉवल है। यहाँ पर इस नॉवल को लिखा है मॉर्गन रॉबर्टसन ने, और इसको लिखा गया था 1898 में यानी कि 1898 में।
यहाँ पर इस बुक के अंदर टाइटैनिक की जैसी एक शिप के बारे में बताया गया है, जिस शिप का नाम है टाइटन। इस बुक के हिसाब से यहाँ पर ये जो टाइटन है ये भी ठीक वैसे ही डूबती है जैसे टाइटैनिक ओरिजिनली डूबी थी। यहाँ पर जो हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि टाइटैनिक भी नॉर्थ अटलांटिक में ही डूबी थी, और इस बुक में भी जो टाइटन थी वो भी नॉर्थ अटलांटिक में ही डूबी थी, और जो वजह थी वो भी दोनों की सेम वजह थी डूबने की। और इसी के साथ 1898 में इस बुक के लॉन्च होने के ठीक 14 साल बाद यानी कि 14 ईयर्स आफ्टर यहाँ पर ये जो टाइटैनिक ट्रेजेडी हुई वो इंसिडेंट भी इस नॉवल के इंसिडेंट से सेम होने की वजह से लोग मॉर्गन रॉबर्टसन को एक फ्यूचर देखने वाला इंसान समझने लगे थे, और लोग समझते थे कि इनके पास ये एबिलिटी है कि ये किसी का भी फ्यूचर देखकर बता सकते हैं। इसके बाद मॉर्गन रॉबर्टसन ने इस चीज़ से या कह सकते हैं इस एबिलिटी को मानने से साफ इनकार कर दिया था। तो चलिए इसी पॉइंट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट पर आता है मिस्टेक ऑफ द न्यूज़पेपर आफ्टर द टाइटैनिक ट्रेजेडी। टाइटैनिक ट्रेजेडी के ठीक एक दिन बाद यानी कि अप्रैल 16, 1912 दिन था मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। यहाँ पर डेली मेल नामक एक न्यूज़पेपर ने आर्टिकल छापा इस इंसिडेंट को लेकर, या आप कह सकते हैं इस इंसिडेंट से रिलेटेड, जिस आर्टिकल में डेली मेल से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, एक मेजर मिस्टेक हो गई। यहाँ पर डेली मेल का कहना था कि इस इंसिडेंट में कोई भी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई हैं, यहाँ तक कि जिस शिप ने इसको रेस्क्यू किया था यानी कि कैरपेथिया, उस शिप का नाम बदलकर यहाँ पर डेली मेल ने वर्जीनियन लिख दिया था। और यहाँ पर डेली मेल के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि वर्जीनियन नामक एक शिप ने टाइटैनिक को हैलीफैक्स पहुँचाया था, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्द डेली मेल को अपनी गलती का एहसास हुआ और डेली मेल ने तुरंत वो आर्टिकल वहाँ से अपने न्यूज़पेपर से हटा दिया और एक फ्रेश आर्टिकल और करेंट रिपोर्ट के साथ वहाँ पर डाल दिया, या आप कह सकते हैं वहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो चलिए इसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर सिक्स्थ पॉइंट पर आता है 8 deaths बिफोर द टाइटैनिक ट्रेजेडी। टाइटैनिक ने सिर्फ अपने इंसिडेंट के दौरान ही इतने लोगों की जान नहीं ली थी, बल्कि जिस समय टाइटैनिक बन रहा था उस समय भी तकरीबन 8 लोगों की जान टाइटैनिक ने ले ली थी। यहाँ पर इनमें से सबसे पहले थे सैमुअल स्कॉट, जिनकी डेथ 1911 यानी कि 1911 में एक सीढ़ी से गिरने से हो गई थी, क्योंकि उनकी सीढ़ी से गिरने के बाद उनके जो स्कल था वो डैमेज हो गया था। यहाँ पर इसके बाद जो दूसरे शख्स हैं उनका नाम है रॉबर्ट मॉर्फिन, और यहाँ पर उनकी डेथ भी कंस्ट्रक्शन के दौरान गिरने से ही हुई थी। यहाँ पर एक जानने वाली बात यह है कि रॉबर्ट मॉर्फिन के जो सन हैं, जो उनके बेटे थे, उनकी डेथ भी टाइटैनिक की सिस्टर यानी कि ओलंपिया को बनाते समय कंस्ट्रक्शन साइट पे ही हो गई थी। और इसी साथ जब तक टाइटैनिक बनी तब तक टोटल 254 यानी कि 254 लोग घायल हो चुके थे। तो ये तो बात हुई टाइटैनिक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। और अगर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कोई ऐसी बात है टाइटैनिक से रिलेटेड जो कि आपको लगता है आपको पता है और हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करी है और आप हमको बताना चाहते हो, तो हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, एंड आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई इस चैनल पर नया है जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स एज अ नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस वीडियो पर कमेंट करना भी मत भूलें, जिससे कि हमें पता चले कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। और हमारी सभी सोशल साइट की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको भी जाके आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बाय।